पुणे हिट एंड रन केस में जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी है और 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेज दिया। वहीं आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुणे की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को पेशी के बाद विशाल अग्रवाल को 24 मई यानी कि कल तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। इस मामले में नाबालिग आरोपी उसे जमानत नहीं मिली है, उसकी जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। 5 जून तक उसे फिलहाल बाल सुधार गृह में रहना होगा। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल से पुलिस तहकीकात कर रही है, पूछताछ कर रही है। पुणे की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को पेशी के बाद विशाल अग्रवाल को 24 मई यानी कल तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। हालांकि पुलिस चाह रही थी कि उस नाबालिग पर वेस्क की तरह ही मुकदमा चले, क्योंकि पुलिस का कहना है कि यह जघन्य अपराध है। देखिए, आपको दिखाते हैं जिस नाबालिग आरोपी की बात हो रही है, जो मृतक है उनके परिवार का कहना है कि ये हत्या है और इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शराब का बिल कितना था उसका देखिए जरा, 48,000 रुपए का। 48,000 रुपए शराब का बिल जिस पब और बार में वो अपने दोस्तों के साथ गया था। पंजीकरण के लिए मतलब कार रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन शराब में उड़ाने के लिए उसके पास अफरात पैसे थे। 48,000 रुपए उस रात का बिल है शराब का, जो दोस्तों के साथ वो गटक गया। पब में देखिए 48,000 रुपए खर्च किए, और कार का रजिस्ट्रेशन कितने में होता है? मात्र 1,758 रुपए में, जो कि उसने भरा नहीं। इससे पता चलता है कि वो, जिसे कहा जा रहा है, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वो ट्रैफिक नियमों को लेकर एक निबंध लिखिए, इससे पता चलता है वो कितना सीरियस कितना गंभीर है। 48,000 की शराब गटक जाते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए, कार की रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे नहीं होते। सवाल कई सारे हैं पिता से, पुलिस के कुछ 4 सवाल हैं। मैं बच्चे को पॉकेट मनी किस रूप में दी जाती थी, किसने देते थे आप? बिना रजिस्ट्रेशन की कार सड़क पर कैसे उतरी? ये तो सबसे गंभीर अपराध है। केस दर्ज होने के बाद आप भाग क्यों गए, फरार क्यों हो गए? विशाल का फीचर फोन मिला, स्मार्टफोन आखिर कहां है? क्या छिपाया जा रहा है? कुछ हाइड तो नहीं किया जा रहा? फोन कहां है वो स्मार्टफोन? Zee News.